अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम लाइफ में आपको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं। यह है तुर्किश वेजिटेबल गोज़लेमे। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, दो बॉयल आलू लेकर इसे अच्छी तरह मैश कर लें। इनमें कोई लम्स ना रहे और कोई टुकड़ा बाकी ना रहे। इसमें मैदा जाएगा। इसमें 1 कप मैंने मैदा लिए। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। इसमें हम शामिल करके इसकी डो बनानी है हमें। 1 टेबलस्पून मक्खन है, आधा चम्मच बड़ा वाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक और ईस्ट है ये इंस्टेंट ईस्ट, ये आधा चम्मच, 2 बड़े चम्मच भरकर प्याज ये चॉप कर लें बारीक, 1 अंडा और वेजिटेबल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च ली है एक छोटी, 1 अदद गाजर लिए, इसको यूँ जुड़न कर बारीक काट लें, मटर के थोड़े से दाने लिए और ये पालक के। ऑयल जाएगा इसमें 2 चम्मच। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। को प्री हीट कर लिया हमने। इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। इसको हमने गोल्डन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है इसको हमने। एक दो मिनट इसको बस हम चलाएंगे, प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, जिसमें हम अपनी बाकी सब्जियां शामिल कर देंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है और इसमें हम सबसे पहले गाजर डाल देंगे और मटर डाल देंगे। इसमें 1/4 टीस्पून नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे हम। इसमें थोड़ी सी हमने बचा ली है, हम डो में शामिल करेंगे। इसमें पानी शामिल नहीं करना है हमने, सब्जियां अपने ही पानी में गल जाएंगी। 2 से 3 मिनट हो गए, मटर और गाजर हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम शिमला मिर्च शामिल कर देंगे अपने और पालक शामिल कर दें। इसको भी हम ढककर 2 मिनट पकाएंगे, जिससे हमारी तमाम सब्जियां अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियाँ हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर ऑयल लेंगे हम। इसमें पैन को थोड़ा तिरछा कर लें। 1 अंडा लेके इसमें 2 चुटकी काली मिर्च और नमक डाल के इसको फेंट लें अच्छी तरह। और ये डालकर हम थोड़ी तेज़ आंच पर पकाएंगे इसको। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहती तो नहीं डालें। सब्जियां भी आप अपनी पसंद की ले सकती हैं, फूल गोभी ले सकती हैं, बंद गोभी ले सकती हैं, जो भी आपको सब्जी अच्छी लगती हो वो आप डाल सकती हैं। आंच को स्लो कर दें। अंडे को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम अपनी डो तैयार करते हैं। अब हम इसकी डो रेडी करते हैं। आलू को अच्छी तरह मैश कर लें, इसमें कोई टुकड़ा ना रहे। इसमें अब सबसे पहले हम मक्खन शामिल करेंगे। बचा हुआ नमक, 2 चुटकी काली मिर्च और ईस्ट, ये हम शामिल कर देंगे। इसको किसी पानी में हल करके डालने की जरूरत नहीं है और ना इसको आपको हम ये करने के लिए रखने की ज़रूरत है। आप इसको फौरी तौर पर तैयार कर सकती हैं।
अब थोड़ा थोड़ा मैदा करके हम इसको अच्छी तरह गूंथ लेंगे। तकरीबन आधा कप इसमें हमारा मैदा गया है, इसमें ये बन जाएगी। आप इसको किसी भी सब्जी से बना सकते हैं और चिकन का भी बना सकते हैं। आपके खाने में बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी होता है ये, बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं आप, डिनर में लंच में भी बना सकते हैं इसको। तो हमारी रेडी हो गई है, इसको हम 5 मिनट भी छोड़ देंगे। थोड़ा सा आटा लेके जो कुछ छोटा सा इसका पेड़ा बनाया, जितना बड़ा आपको बनाना है इतना। थोड़ा सा मैदा छिड़क कर इसको बेलना। जितना बड़ा आपको रखना हो उतना करें। बहुत बारीक भी नहीं बेलें तो देखें इसमें होती है। अब इसमें फिलिंग कर सकते से आप अच्छी तरह प्रेस कर दें। तकरीबन 3 मिनट हो गए, अब हम इसको पलट लेंगे। इसको एहतियात से उठाकर पलट लें, फिर हम ढककर इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह ये सिककर तैयार हो गया। तो प्याज से निकालें, जरा सा पैन में दोबारा ऑयल डालें 1 चम्मच के बराबर। दूसरा भी एहतियात से उठाकर डाल दें, इसी तरह सारे तैयार कर लें। मज़ेदार तुर्किश वेजिटेबल गोल्स में बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं। बहुत हेल्थी रेसिपी है ये, आप इसे बच्चों को भी बना कर दें, खुद भी खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं ये रेसिपी। आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें अंदर से भी इतने मज़े आएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।